वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन एक मीशो हॉल। एंड आज का जो मीशो हॉल है ना वो मिक्स में होने वाला है, यानी कि आपको इसमें स्कर्ट और ब्लाउज, लहंगा, सूट, साड़ी सभी एक साथ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने डिफरेंट मतलब अलग अलग ऑर्डर किया था और जैसे जैसे मुझे मिले हैं मैंने सोचा एक साथ आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बिकॉज फिर मीशो पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। एंड जिन्हें नहीं पता है मीशो क्या है, तो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जहाँ से आप घर बैठे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे। और अगर आप मीशो से परचेजिंग करते हैं मेरे दिए हुए लिंक से, मतलब मीशो डाउनलोड करते हैं मेरे दिए हुए लिंक से, तो आपको फ्लैट 30% या 40% ऑफ मिलेगा आपके फर्स्ट ऑर्डर पे। तो आपको मीशो मेरे लिंक से डाउनलोड करना है। मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोर्स होते हैं, सभी के कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मीशो से आप खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मीशो वर्क करता है। एंड ये जो मैंने पहना हुआ है, मैंने एक्चुअली स्टाइल किया है, ये है एक इनर हाईनेक है, उसके ऊपर मैंने स्टाइल किया है ये वाला ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी। इसकी ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर है, ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था, बहुत ही खूबसूरत सी सिल्वर ज्वेलरी है। इसके साथ इयररिंग्स भी आए हैं। ये दुपट्टा मैंने मीशो से परचेस किया था, एक सूट के साथ का था, तो मैंने इसे पेयर अप किया इसके साथ, क्योंकि आप बार बार में पूछेंगे फिर मैंने कहाँ से ये चीज़ परचेस की है। तो इन सभी की लिंक भी आपको, मतलब इन सभी की वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो फर्स्ट सूट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत सुंदर सा सूट है, इसकी इमेज जो है मीशो पे बहुत अच्छी लग रही थी। एंड ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, स्पेशली इसका कलर बहुत ज्यादा यूनिक है। एंड इस तरीके की पैकेजिंग में मिला है, मैंने अभी तक इसे खोल के नहीं देखा है, खोलने के बाद देखते हैं कैसा निकलता है। एंड प्योर जॉर्जेट में आपको ये सूट मिल जाएगा, काफी अच्छी क्वालिटी तो लग रही है देखने में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो है कुर्ता है वो बता देती हूँ। ये एक लॉन्ग सूट है एंड बहुत ही अच्छा कलर है। इसका कुर्ता आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, जो कि फुल एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट कुर्ता है, पूरा जॉर्जेट का कुर्ता मिलेगा। कलर आप देख सकते हो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इसमें आपको राउंड नेक मिल जाएगी, यहाँ पे इन्होंने स्लीव्स दी है जिसपे यहाँ पे इन्होंने गोटे का जरी का काम किया हुआ है, इस तरीके का चेक्स का काम मिल जाएगा। एंड एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हो पूरे थ्रेड से की हुई है, जो कि काफी ब्यूटीफुल है, काफी नीटली है। एंड फिर पूरा आपको ये प्लेन मिलेगा, यहाँ पे आपको है ना इसमें काफी अच्छा फ्लेयर देखने को मिल जाएगा, बहुत जो कि बहुत अच्छा लगता है। बीच में इन्होंने यहाँ पे फ्रंट कट दिया हुआ है, इस तरीके का कट मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी कुर्ती है, लेंथ काफी अच्छी है, लॉन्ग है, फुल लेंथ में कुर्ती मिल जाएगी। एंड इन्होंने अंदर की साइड है ना इसमें इनर लगाया हुआ है साटिन का। एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है मीडियम, आपको एक्सेल डबल एक्सेल तक का साइज मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके की आपको ये वाली बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती मिलने वाली है, जो कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड इसके साथ नीचे की साइड इन्होंने दिया है प्लाजो, आप देख सकते हो काफी अच्छा फ्लेयर वाला प्लाजो इन्होंने दिया है ना, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लग रहा है, थोड़ा फ्लेयर है और वो भी जॉर्जेट में है। यहाँ पे इन्होंने इलास्टिक दिया हुआ है एंड पूरे में अंदर इनर लगा हुआ है, जो कि काफी सही है, फैब्रिक काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे इन्होंने इस तरीके का इन्होंने चेक्स में ये डिजाइन दिया हुआ है, जो कि आपको स्लीव्स पे मिल जाएगा दोनों पैरों में। तो इस तरीके का आपको प्लाजो मिलेगा, काफी कंफर्टेबल रहेगा पहनने के बाद। सबसे अच्छी बात है बहुत ज्यादा लाइट वेट है, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक है। एंड दुपट्टा इन्होंने बिल्कुल प्लेन दिया है, इसमें बिल्कुल प्लेन सा आपको दो सवा दो मीटर का दुपट्टा मिल जाएगा, जो कि जॉर्जेट फैब्रिक का है, इस तरीके से। तो है ना बहुत ज्यादा सुंदर सा स्काई ब्लू टाइप में, कुछ ब्लू टाइप में मिक्स कलर है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है ये वाला कलर। आप चौड़ाई देख सकते हो दुपट्टे की भी काफी अच्छी है, लेंथ भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, पूरा प्लेन दुपट्टा मिलेगा। ओवरऑल सूट बहुत अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफी सही है एंड काफी ज्यादा ट्रेंड में भी है। तो आप परचेस करना चाहो तो कर सकते हो, इस तरीके का आपको एक पार्टी वेयर सूट मिलेगा। सबसे पहले मैं अनाउंस कर देती हूँ गिव अवे के विनर्स। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो भी गिव अवे के विनर्स है। एंड गाइस मैं क्या 3 विनर्स ही अनाउंस करने वाली थी, मैंने वीडियो में बताया था आपको लास्ट वीडियो में, लेकिन मैंने 4 विनर्स अनाउंस किए, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था मैं किसको विनर बनाऊं किसको नहीं बनाऊं, क्योंकि सारे जो लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है बहुत ही अच्छे से मेहनत की है, बहुत सभी लोगों ने सारे रूल फॉलो किए हैं, लेकिन मुझे विनर्स बनाने थी ओनली 3, तो मैंने सोचा 4 विनर्स मैं अनाउंस करती हूँ। तो जिन भी लोगों ने प्राइज जीता है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आपके प्राइज आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। तो आप अपने एड्रेस मुझे या तो DM कर दीजिए या फिर आप मुझे कर सकते हैं मेल। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ लहंगा ये वाला मैंने ना स्टिच लिया है ये वाला लहंगा, एंड ये एक बनारसी सिल्क का लहंगा है। एक दो मैंने बनारसी सिल्क के लहंगे एक दो पहले भी शेयर किए हुए हैं, आप लोगों को काफ़ी पसंद आए थे, तो अभी मैंने दूसरा इसमें डिज़ाइन ऑर्डर किया है, देखते हैं ये वाला कैसा निकलता है।
क्या है, ये वाले लहंगे ना काफी ज्यादा सही भी रहते हैं, एक तो है ना कैसे भी फंक्शन में पहन सकते हो, दूसरा स्टिच्ड भी आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग भी काफी अच्छे हैं, आपको ब्लाउज वगैरह भी स्टिच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो इसका ब्लाउज सबसे पहले आपको ब्लाउज बता देती हूँ, ब्लाउज इसका आपको मर्जेंटा कलर में पूरा ब्लाउज मिलेगा, पूरे पे आपको इस तरीके का जरी का काम देखने को मिल जाएगा एंड ब्लाउज की आप फिनिशिंग देख सकते हो काफी अच्छी है एंड इस तरीके का बैक वाला डिजाइन मिल जाएगा। स्लीवलेस ब्लाउज है, पीछे की साइड इन्होंने टसल्स के लिए ये वाली डोरी दी हुई है, हैवी टसल्स लगाना चाहो इसमें लगा सकते हो टसल वगैरह एंड अंदर की साइड इसमें आपको ये वाली स्लीव्स मिल जाएंगी, अटैच करवाना चाहो आप करवा सकते हो। अब साइज की मैं बात करूँ ना तो ये आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा वैसे तो, लेकिन अंदर भी आपको इसमें इतना इतना स्पेस दिया हुआ होता है तो अगर आप ऑल्टर वगैरह करवाना चाहो तो करवा सकते हो, काफी इजीली ऑल्टर हो जाएगा ये वाला ब्लाउज। और अंदर की साइड इसमें इनर लगाया हुआ है, ये एक फुल पैडेड ब्लाउज है। इस तरीके का आपको लहंगा मिलेगा, बहुत ही सुंदर सा लहंगा है, फ्लेयर आप देख सकते हो काफी अच्छा है, ये एक सेमी स्टिच लहंगा है यानी कि यहाँ से ये खुलता है एक साइड से और आपको बस इसे स्टिच करवाना है और चेन लगवानी है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके की फुल आपको एम्ब्रॉयडरी प्रिंट देखने को मिल जाएगा। वेस्ट की मैं बात करती हूँ अप टू 42 है यानी कि एक्सल और डबल एक्सल साइज में भी आराम से आ जाएगा और सबसे अच्छी बात है कैंकेन लगवाने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको इसमें एक हार्ड कैंकेन एक सॉफ्ट कैंकेन दोनों मिल रही है जो कि जिससे कि काफी अच्छा फ्लेयर आएगा। अंदर की साइड आपको इनर मिल जाएगा साटिन का, बहुत ही अच्छा है, मतलब लहंगा है ना ऐसा है जितने पैसे ले रहे हैं उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा लहंगा है एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसका कलर प्रिंट डिजाइन एंड मीशो पे है ना बनारसी सिल्क के लहंगे काफी ज्यादा अवेलेबल है, चाहो ना तो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन वगैरह पैटर्न वगैरह देख के परचेज कर सकते हो, काफी सारे ऑप्शन आपको मीशो पे मिल जाएंगे। एंड कई लोग मुझसे प्राइस की बार बार में पूछते हैं तो मैं प्राइस क्या है स्क्रीन शॉट के साथ साइड में लगा देती हूँ जिससे आपके लिए ईजी हो जाए प्राइस देखना कि मतलब मैं किसकी प्राइस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट स्क्रीन शॉट लेती हूँ क्योंकि कई लोग फिर बाद में बोलते हैं फ्लैक्चुएट होती है तो कि आपने इतने का लिया है और हमने इतने का लिया है, तो जिस टाइम मैं वीडियो एडिट करती हूँ उस टाइम का स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो प्राइस आपको साइड में मिल जाती है आप उसमें जाके देख सकते हैं प्राइस। एंड इसका दुपट्टा क्या है, बनारसी सिल्क का दुपट्टा मिलेगा जो कि पूरा 2.25 मीटर का दुपट्टा है, लेंथ और चौड़ाई आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। ये वाला सेम दुपट्टा मेरे पास है, ये मैंने मीशो से एक सूट परचेस किया था मर्जेंटा कलर का, उसके साथ भी सेम ये ही दुपट्टा आया है, तो इस तरीके का आपको ये दुपट्टा मिल जाएगा, फुल में जरी का काम मिल जाएगा, बॉर्डर आप देख सकते हो काफी अच्छा चौड़ा चौड़ा सा बॉर्डर इन्होंने दिया हुआ है, ये धागे वाले टैसल्स दिए हुए हैं यहाँ पे और बीच में आपको इस तरीके का काम मिल जाएगा, पूरा 2.25 मीटर का मर्जेंटा कलर का दुपट्टा है, इससे आप किसी भी सूट और लहंगे उनके साथ भी डेफिनेटली पेयर अप कर सकते हो। सर जो नेक्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है एक स्कर्ट और स्कर्ट की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी इसलिए मैंने 2 स्कर्ट ऑर्डर की थी, दोनों मुझे मिल गई है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की थी, कलर ऑप्शन आपको काफी सारे मिल जाएंगे तो आप देख के परचेज कर लेना। और मुझे काफी ब्यूटीफुल लगी थी ये वाली स्कर्ट है ना, फ्लावर प्रिंट है और मुझे फ्लावर प्रिंट की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ स्टाइलिश भी लुक आ जाता है ना इसलिए, तो ये वाली स्कर्ट आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी, पूरी फ्लावर प्रिंट स्कर्ट है। अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करती हूँ सिल्क में फैब्रिक मिक्स है इसका, मतलब थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट सा फैब्रिक है बिल्कुल और थोड़ा शाइन भी कर रहा है एंड फुल स्कर्ट में आप फ्लेयर देख सकते हो काफी अच्छी है, तो ये एथनिक एंड वेस्टर्न जो वेस्टर्न वियर होते हैं उनका मिक्स है यानी कि आपको फुल लेंथ में ये स्कर्ट मिल जाएगी एंड आप इसे एज ए क्रॉप टॉप के साथ भी पहन सकते हो और कुर्ते वगैरह के साथ भी डाल सकते हो, उस अकॉर्डिंग भी काफी अच्छी है तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सुंदर सी फ्लावर प्रिंट स्कर्ट है। और कलर की मैं बात करूँ पीच कलर में, पीच से थोड़ा सा लाइट कलर में आपको स्कर्ट मिलेगी एंड पूरे आपको इस पे फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं, फ्लेयर आप देख सकते हो काफी अच्छा है, तो ये वाली स्कर्ट आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, कलर ऑप्शन सारे मीशो पे अवेलेबल है आप चेकआउट कर लेना। अब जो नेक्स्ट स्कर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी कुछ ऐसे पैकेजिंग में मिली है, इसमें भी कलर ऑप्शन काफी ज्यादा अवेलेबल थे पर मैंने मर्जेंटा वाला कलर अच्छा लग रहा था, मुझे एक ब्लैक कलर भी अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा सब स्कर्ट में से एक एक कलर बता देती हूँ आपको, आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। तो ये वाली स्कर्ट है ना पूरी रेयन फैब्रिक में ये वाली स्कर्ट है एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक रहता है एंड बहुत स्मूथ है ना, और यहाँ पे इन्होंने इसमें इलास्टिक दिया हुआ है जो कि काफ़ी सही है, मतलब कंफर्टेबल रहेगा पहनने के बाद, ऊपर से पूरी प्लेन मिल जाएगी एंड नीचे की साइड आपको इस तरीके का इसमें वाइट प्रिंट देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है एंड क्रॉप टॉप वगैरह के साथ या फिर
कोई सी भी कुर्ते के साथ बहुत अच्छे से जाएगी। तो डेफिनेटली आप इस तरीके की स्कर्ट परचेज करना चाहे कर सकते हैं, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्लाउज। ये वाला ब्लाउज क्या हुआ था कि मैंने ब्लाउज दो तीन ऑर्डर किए थे सिक्वेंस वाले मेरे लिए, लेकिन सिक्वेंस वाले में मुझे कॉपर कलर चाहिए था और एक को पिंक कलर किया था, एक पर्पल भी किया था, वो दो मुझे मिले नहीं। कॉपर वाला मुझे मिला तो कॉपर की जगह मुझे मिल गया एक गोल्डन। अब मैं इसे चेंज कराऊंगी, कलर एक्सचेंज कराने वाली हूँ मैं, और दो अभी आए नहीं है, तो आएंगे जैसे ही मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, वो देखते हैं कैसे निकलते हैं। बाकी ये वाला है ना, मुझे कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया गोल्डन में, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सा शाइन कर रहा है, तो मुझे इस टाइप का कलर पसंद नहीं है। डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन मुझे कलर, मैंने कॉपर मंगवाया था, मुझे गोल्डन मिल गया है, तो मैं इसे एक्सचेंज कराने वाली हूँ। तो इस तरीके का आपको ये सिक्वेंस का ब्लाउज मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, पैडेड ब्लाउज है पूरा। बैक साइड देख सकते हो, मतलब राउंड में नहीं दी हुई, वी शेप में आपको ये मिल जाएगी। पीछे से खुलता है ये वाला ब्लाउज, यहाँ पे इन्होंने हुक्स दिए हुए हैं, पूरा सिक्वेंस का मिलेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे कलर में प्रॉब्लम लगी, अदरवाइज ब्लाउज बहुत अच्छा है। अंदर की साइड आपको ब्लैक कलर की लाइनिंग मिल जाएगी, साटिन वाली स्लीव्स इसमें अंदर दी हुई है और पूरा पैडेड ब्लाउज है। तो लास्ट आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है एक साड़ी, एंड साड़ी बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, फॉर एनी फंक्शन बहुत अच्छी रहेगी। कलर ऑप्शन आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, एंड ये पूरी आर्ट सिल्क में साड़ी है। मुझे मैंने नेवी ब्लू कलर परचेज किया, नेवी ब्लू कलर मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड खोल के देखते हैं साड़ी कैसी निकलती है, नेवी ब्लू और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में है। सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ, ब्लाउज काफ़ी अच्छा है, इन्होंने कलर ऑप्शन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, नेवी ब्लू के साथ रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा है। रेड बिल्कुल डार्क वाला एकदम ब्राइट रेड है, आर्ट सिल्क की साड़ी मिल जाएगी, आर्ट सिल्क का ही ब्लाउज है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इन्होंने स्लीव्स के लिए ब्लाउज में बॉर्डर दिया हुआ है, और ये पूरा इन्होंने इस पे गोटे पत्ती और एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है, और पूरा ब्लाउज प्लेन मिल जाएगा। तो ये 80 और 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज है, यानी कि एक्सल डबल एक्सल साइज में भी आपके आराम से आ जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होती है साड़ी, साड़ी बस इतना सा जो पार्ट मिलेगा ना साड़ी का, जो अंदर की साइड आता है, बस वो पूरा प्लेन मिलने वाला है। आर्ट सिल्क का फैब्रिक है, तो काफ़ी ज़्यादा शाइनी भी है, सॉफ्ट भी है। एंड नीचे की साइड आपको इस तरीके की बॉर्डर वाली लेस मिल जाएगी, बॉर्डर मिल जाएगा सॉरी, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो काफ़ी नीटली इन्होंने काम किया हुआ है, काफ़ी चौड़ा बॉर्डर है, एंड गोटे पत्ती और एम्ब्रॉयडरी का काम है, एंड पूरी साड़ी पर इस तरीके का बॉर्डर एंड ये बूटे मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत ही सुंदर साड़ी है, पूरी 5.5 मीटर की आपको ये साड़ी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी लेंथ है, चौड़ाई भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। सबसे अच्छी बात है कलर बहुत अच्छा है, एंड ये इन्होंने इसका आँचल दिया है जो कि काफ़ी हैवी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मुझे साड़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो कलर काफ़ी अच्छा है, और दूसरा काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट भी है, ऐसे बहुत ज़्यादा चमक दमक नहीं है, बिल्कुल एलिगेंट साड़ी है, सोबर साड़ी है, एंड बहुत अच्छी है फॉर एनी पार्टी एनी फंक्शन, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। किसी शादी वगैरह के लिए लेना चाहते हो उस अकॉर्डिंग ले सकते हो, कलर ऑप्शन आपको मीशो पर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, तो इस तरीके की आपको ये साड़ी मिलेगी। तो गाइस आई होप आपको आज का ये कलेक्शन पसंद आया होगा, एंड आगे आपको आगे आपने जो भी मुझे कोड दिए हैं, जिनके भी मुझे पसंद आया है कोड, उनके मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जैसे ही मुझे मिलते हैं आने नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपनी शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।